हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ जो है टेक्सटाइल के बारे में। तो आज हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्पन यार्न एंड फिलामेंट यार्न। अब ये डिफरेंस समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि स्पन यार्न किसको बोलते हैं और फिलामेंट यार्न किसको बोलते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि स्पन यार्न जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उसको बोलते हैं हम स्पन यार्न, और जो कंटिन्यूस जिनकी लेंथ कंटिन्यूस होती है उनको बोलते हैं हम फिलामेंट यार्न। ठीक है, आपको समझ में आया? ये हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे स्पन यार्न क्या होता है और फिलामेंट यार्न क्या होता है। तो मैंने बताया, आगे भी आपको बताया, अब हम देखेंगे कि उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस हम देखेंगे कि स्पन यार्न इज मेड ऑफ मैनी शॉर्ट स्टेबल फाइबर, बराबर है। जो ये डायग्राम में दिखाया हुआ है आपको, तो इन छोटे छोटे फाइबर को मिला के हम क्या बनाते हैं, स्पन यार्न। तो स्पन यार्न इज मेड ऑफ मैनी शॉर्ट स्टेबल फाइबर, बराबर। स्पन यार्न को क्या बोलते हैं, स्टेबल। ये उसका स्पन यार्न का दूसरा नाम है, ठीक है। तो उसके सामने फिलामेंट को क्या बोलते हैं, जैसे आपने यह डायग्राम में देखा कि फिलामेंट यार्न इज मेड ऑफ लॉन्ग कंटिन्यूस फिलामेंट, बराबर है। वो क्या होता है, लॉन्ग प्लस कंटिन्यूस, ओके। दूसरा देखेंगे हम, द फाइबर आर वाउंड टू ईच अदर बाय ट्विस्टिंग टूगेदर। स्पन यार्न कैसे बनता है, जो ये छोटे छोटे फाइबर है, एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो ये जो छोटे छोटे स्टेबल फाइबर है उनका क्या होता है, ट्विस्टिंग होता है ऐसे करके, बराबर। तो जो छोटे छोटे फाइबर है उनका क्या होता है, द फाइबर आर वाउंड टू ईच अदर, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे इसके साथ क्या होता है, इसका ट्विस्ट हो जाता है, तो क्या बनता है, स्टेबल फाइबर। इन फिलामेंट यार्न विद द हेल्प ऑफ इन फिलामेंट यार्न ट्विस्ट हेल्प टू प्रिवेंट द फ्रेइंग ऑफ द फिलामेंट इन द यार्न। ट्विस्ट इनको क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये इन दोनों में स्लिप ना हो जाए एक दूसरे से, ये जो फिलामेंट यार्न है क्या ना हो जाए, स्लिप ना हो जाए, इसके लिए उनको ट्विस्ट दिया जाता है। तो तीसरा है, इट शोज पुअर लस्टर बिकॉज ऑफ मोर ब्रोकन सरफेस। क्या है, इसमें छोटे छोटे फाइबर टूटे हुए इसलिए इसका लस्टर बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे देंगे, यहाँ पे कोई टूटा हुआ फाइबर नहीं है, तो इनका क्या आएगा, ज़्यादा लस्टर आएगा, ठीक है। तो हम जाते हैं अब चौथे पॉइंट पे। सो क्या हुआ, फिलामेंट में इट पोजिस गुड लक्सर बिकॉज ऑफ अनब्रोकन सरफेस। यहाँ कोई ब्रोकन सरफेस नहीं है, यहाँ कोई ब्रोकन सरफेस नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये देगा गुड लक्सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, स्पन यार्न हैज अ लो इलोंगेशन एट द ब्रेक। जब हम स्टेपल फाइबर को खींचेंगे या फिलामेंट फाइबर को खींचेंगे तो इलोंगेशन कौन सा आएगा, ये कौन सा है, स्टेपल यार्न है, ये फिलामेंट यार्न। तो जब इसको हम कुछ यहाँ पे लटका के यहाँ पे वजन दे रहे हैं कोई भी, तो इसका इलोंगेशन कितना आएगा, इतना। जबकि हम यहाँ पे फिक्स पॉइंट होगा, यहाँ पे भी फिक्स पॉइंट होगा, और यहाँ पे हम लटकाते इसको और इसके ऊपर वजन देते हैं, तो इसका इलोंगेशन कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है। सो क्या लिखा हुआ है, स्पन यार्न हैज अ लो इलोंगेशन एट द ब्रेक, बराबर। जैसे फिलामेंट क्या है, इट हैज अ मोर इलोंगेशन देन स्पन यार्न, ठीक है। अब आगे है, इट हैज अ पुअर इलास्टिक रिकवरी इन कंपेरिजन ऑफ द फिलामेंट यार्न। इसमें क्या है, उसकी रिकवरी, यहाँ पे क्या है, इस फिलामेंट यार्न से स्पन यार्न का जो कंपेरिजन करेंगे इलास्टिक रिंग, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिलामेंट यार्न का कंपेयर टू द स्पन यार्न। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट हैज़ अ हाई इलास्टिक रिकवरी, बराबर है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे, स्पन यार्न हैज़ अ बेस्ट बेटर मॉइस्चर रिगेन, बराबर है। तो फिलामेंट को क्या है, फिलामेंट यार्न हैज़ अ लो मॉइस्चर रिगेन, क्या है ये फिलामेंट सब इकट्ठे होंगे, क्या बनेगा, फिलामेंट यार्न। जो स्टेबल फाइबर है वो एक दूसरे से मिलके क्या बनेगा, स्पन यार्न, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे जगह बचती है जिसके लिए वो मॉइस्चर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब यहाँ देखेंगे तो ये क्या है, सब फिलामेंट एक के एक साथ पूरे पूरे है, तो यहाँ पे मॉइस्चर पानी जाने की कोई जगह नहीं है, इसके इसका मॉइस्चर रिगेन वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आया, तो हम आगे बढ़ते हैं, इट हैज़ अ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कंपेरिजन ऑफ द फिलामेंट यार्न, बराबर। तो स्ट्रेंथ का देखेंगे तो किसका ज़्यादा आएगा, इलोंगेशन इसका अच्छा है, तो स्ट्रेंथ कौन सा अच्छा आएगा, फिलामेंट यार्न का कंपेयर टू द स्पन यार्न। तो वैसे ही यहाँ पे है कि फिलामेंट यार्न पोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, बराबर। तो ये सेम पॉइंट है, तो आगे जाएंगे, इट हैज़ अ गुड ब्रेथेबिलिटी और फिलामेंट यार्न हैज़ अ पुअर ब्रेथेबिलिटी, ओके। तो स्पन यार्न हैज़ अ लेस ड्यूरेबल देन फिलामेंट यार्न, स्पन यार्न इज लेस ड्यूरेबल देन फिलामेंट यार्न, जबकि फिलामेंट यार्न हैज़ अ हाई ड्यूरेबिलिटी, बराबर है। जब एब्रेजन होगा तो ये जल्दी फट जाएगा, फिलामेंट यार्न स्पन यार्न से ज़्यादा टिकेगा। इसके लिए इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, फिलामेंट यार्न से कम है, और इसकी क्या है, स्पन यार्न से ज़्यादा है। स्पन यार्न हैज अ सॉफ्ट फील एंड गुड बल्क नेस प्रॉपर्टी, इसमें क्या आएगा, सॉफ्ट होगा और क्या होगा, उसका बल्क भी ज्यादा होगा। फिलामेंट यार्न हैज अ लेस सॉफ्टनेस, क्योंकि ये क्या है, जो फिलामेंट है वो एक के साथ इकट्ठे हुए हुए, और ये क्या है, छूटे है, तो आपको इनको प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो दबेगा, जबकि इधर स्पेस करोगे क्योंकि तो ये ज़्यादा नहीं दबेगा, क्योंकि इधर गैप ही नहीं है। तो इसके लिए इसकी स्टॉपनेस, इसकी क्या है, सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी और इसकी सॉफ्टनेस कम होगी, ठीक है। इसके लिए ये पॉइंट दिया गया है कि स्पन यार्न हैज़ अ सॉफ्ट फील एंड गुड बल्क नेस प्रॉपर्टी, जबकि फिलामेंट यार्न हैज़ लेस सॉफ्टनेस एंड बल्किनेस देन स्पन यार्न, ओके। जो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में दिया गया हुआ, जो आपको मेरा अगला वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको अगला वीडियो देखना है तो जरूर घंटी का बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।